हेलो फ्रेंड्स, मैं कल कुछ वीडियोस देख रही थी, स्कूल हैक्स की वीडियोस। तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन अकेले करने से अच्छा है आपके साथ शेयर करूँ। तो चलो मैं आपको बताऊंगी कि कितने हैक्स पास होते हैं और कितने हैक्स फेल होते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारा पहला स्कूल हैक कौन सा है। चलो अपना केक बनाती हूँ। अरे ये केक अच्छा नहीं लग रहा, काश थोड़ा 3D अच्छा सा लगता। ये हैक है ना, यही हैक हम ट्राई करते 3D के लिए। तो ये हैक ऐसा है, इसमें ये भैया दीदी है सब, ये पता नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 स्केच पेन एंड 1 पेंसिल ली है और इन्होंने साथ में रख के और यहाँ पे बना दिया। मेरा लेटर बनाया, मेरे फर्स्ट लेटर नेम का, तो वो उन्होंने बनाया और फिर ये बस वो सेटल कर रहे हैं। तो चलो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो देखते हैं कि हमसे हो पाएगा। यहाँ पे पहले सी चीजें रख रही है, तो यहाँ पे हमें पास 2 स्केच पेन, ब्लू एंड पर्पल, एंड यहाँ पे मेरे पास पेंसिल। ओके, यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे पेंसिल में और इसे अच्छे से सेटल करेंगे। हाँ चलिए यहाँ पे बनाते हैं। वैसे ये अच्छा तो बना है, वैसे मेरे को ये केव में लेटर अच्छा लगा है, थोड़ा 3D टाइप का आ गया है, पर चलो देखते हैं कि ये ईयरबड से होगा या नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को ऐसे करके मैंने कर दिया। अरे ये तो हो ही नहीं रहा ब्लेंड। तो ये मेरे तरफ से हैक 50-50 है, बिकॉज अगर ये कोई बड़ा करे तो ये हो सकता है। वैसे मेरे को अपना की अच्छा लगा, तो ये मेरे अकॉर्डिंग 50-50 है। तो ये आप हैक ट्राई कर सकते हो, लेकिन बड़े के साथ, क्योंकि बड़े के साथ अच्छा बच सकता है। तो नेक्स्ट हैक देखते हैं। अरे यार क्या करूं, दीदी ने 9 की टेबल ली है, लेकिन मुझे तो लॉन भी नहीं है 9 की टेबल। अरे ये हैक है, इससे मदद नहीं करती हूँ। पहले इन्होंने 0 से वैसे तो ये ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट के लिए उन्होंने एक और पेंसिल यूज की, तो मैं दिखाती हूँ कैसे। तो ये वैसे ट्रायंगल हो जाएगा ऐसे करके, ओके। फिर यहाँ पे पेंसिल लग जाएगी यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे फिर रबर बैंड से सिक्योर कर दूंगी। तो मैं दिखाती हूँ कैसे करती हूँ। तो ये हमारा ऐसे ट्रायंगल शेप में आ गया है। हमने ये पेंसिल इसलिए लगाई क्योंकि ये छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसलिए हमने ये पेंसिल लगाई है। तो चलो ट्राई करने की तरफ, तो हम यहाँ से पकड़ेंगे ऐसे करके और चलो बनाते हैं। थोड़ा बहुत तो हो रहा है, बट ये थोड़ा बड़ा नहीं है ना, तो ये हम, मैंने बताया था आपको छोटा बड़ा भी हो जाएगा, ये इतना छोटा कर लेता है, इतना छोटे से बना के देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग है ट्राई, लेकिन ये चीज थोड़ी वो है, लेकिन शॉर्ट होगी तो भी हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से पास। ओके तो पास कम पास नहीं है हमारे बैठे बैठे। तो नेक्स्ट हैक, ओप्स दीदी ने तो मेरी सारी कॉपी बेकार कर दी।
हो रहा है। ये तो इसमें ये अटक गई तो अरे मार दो मेरी तरह से ये हैक फेल मेरे सामने भी बेकार हो गया इससे तो बाहर निकाल लो निकल गया फेल क्योंकि इस हैक ने मेरे सामने बेकार कर दिया फेल हो गया ये चलो अब इससे कैसे रेस करूं चलो ये वाला हैक देखते हैं। ये कुछ भी हैक बना देते हैं मतलब पिन पेज फाड़ने के लिए पेन यूज किया चलो मैं हम ट्राई करते हैं बट मैं आपको एक सिंपल तरीका भी बताऊंगी इसका तो हमें चाहिए ऐसा वाला पेन मैंने बस रखा है ओके फिर ये पिन पेज है ये पेन है ना ये इसके अंदर जाना चाहिए और ऐसे फिर ऐसे ओके तो ऐसे करते रहना है ओके एंड देन हम ऐसे करके इसे निकाल सकते हैं वैसे ये अच्छा है लेकिन हम एक और दिखाती हूँ यार पहले से अंदर कर नहीं अंदर हाँ अंदर कर लेते पहले ओके वैसे अब ओके अभी वाला हो गया हमने एक और दिखाती हूँ ऐसे लो पेज एंड ऐसे ऐसे करते हैं ओके तो चलो देखते हैं कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा है तो इसमें पहले हम चेक करते हैं इसमें बिल्कुल अच्छे से होल्स हुए हैं और इसमें फटा भी नहीं है बिल्कुल भी ये वाला चेक करते हैं इसमें वैसे चलेगा लेकिन ये देखो थोड़ा सा फट गया है ये देखो तो मैं इस हैक को पहले बेकार बोलती बट ये हैक मेरे लिए अच्छा है तो पास 2 लाख अरे ये डंडा ही ठीक से नहीं खींचा मैं क्या करूं अच्छा हाँ डीजल भी था अरे उस हैक ने तो मेरी इरेजर शार्पनर ही ले गए अब मैं क्या करूं चलो ये वाला हैक ट्राई करते हैं ओके इस हैक में किया है इन्होंने पहले एक रबर बैंड ली रबर बैंड फिर इसमें इसे ऐसे कर दिया हो गया फ्रेंड्स ये है कि ना मैं बहुत करती थी जब मैं स्कूल में रेजर छोके आती थी ना मम्मा फिर मम्मा ऐसा करती थी तो मुझे याद है चलो करते हैं अरे वाओ इसने तो सारी रेज कर दी ये हैक तो मेरी तरफ से 5 है क्योंकि ये मम्मा का भी हैक है तो मेरी तरफ से 5 ओके देखते हैं ओह शिट ये तो पापा का था ना ओह नो पापा मेरे को बहुत डांट देंगे क्या करूं कैसे मिटा अरे यार कैसे मिटेगा ये अरे ये हैक है ना हैक देखते हैं ओह अच्छा लग रहा है हैक वैसे तो ट्राई करते हैं तो ये मेरे पास है लेमन एंड योगर्ट तो थोड़ी मैं इसका रस निकालते हैं ट्राई करने में वाह ये है तो पूरा है ओह माय गॉडनेस ये देखो फ्रेंड्स अब मैं तो पापा के डांट से बच गई तो ये हैक मेरे तरफ से 5 है 5 बहुत अच्छा है ये तो ओके पहले इन्होंने लिया है कोलगेट ओके ओके फ्रेश चलो पहले हम थोड़ा सा कोलगेट ले लेते हैं देखिए ओके फिर हम यहाँ पे इसे लगाते हैं लगा लिया चलो फोल्ड लिख देते हैं हो गया ओके पहले मुझे ड्राई करना था फिर मुझे लिखना था मेरा मार्कर भी खराब हो गया मैं इसे नहीं पा
पैसे 50-50 है। मेरे को अपने लिए एक छोटी सी नोटबुक चाहिए थी नोट्स के लिए, फिर मैंने ये हैक देखा, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे हाफ में, फिर से हम इसे हाफ में फोल्ड करेंगे, ओके, एंड फिर से हम इसे हाफ में फोल्ड करेंगे और हम यहाँ पे स्टेपल कर देंगे। ओके, तो हमारा ये स्टेपल हो गया। अब हम सीजर से, मेरे पास सीजर है, यहाँ से कट कर देंगे। ओके, तो ये मैंने कट कर लिया है और ये देखो कॉपी के टुकड़े, और मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगी नोट्स। ओके, और आप इसे अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर लेना। तो ये कॉपी बन गई है, मेरे को बहुत अच्छा हैक लगा, पास। तो मेरी तरफ से ये हैक पास, इसने एक ही पेज से मेरे को एक मिनी नोटबुक बना दी। सो फ्रेंड्स, माय नेक्स्ट हैक, ओके, अच्छा लग रहा है। तो हम इस हैक में क्या करेंगे, हम यहाँ पे टू टेप्स रखेंगे एंड पेंसिल्स रख देंगे आगे पीछे। ओके, तो मैंने ये कर दिया है। ये हमारे तब हैक काम आएगा जब कभी कभी मैम दे देती है ना हमें लिखने के लिए, तो तब ये हैक आएगा। हम चेक करते हैं, मैं सॉरी लिखने को देखूँ, मेरे को लिखना नहीं आ रहा, मेरे को लिखना नहीं आया, बट ये हैक मेरे को अच्छा लग रहा है, तो ये हैक मेरी तरफ से पास। सो फ्रेंड्स, ये मेरे से तो नहीं हो पाया, बट कोई बड़ा करे तो ये हो सकता है, तो हम बच्चे से तो हो नहीं पाएगा, तो मेरी तरफ से वैसे ही मेरी तरफ से हैक पास है, पास। ये बड़े के लिए बहुत काम का है। फ्रेंड्स, हमने आपके साथ आज कुछ स्कूल वायरल हैक शेयर किए थे, तो उसमें से कुछ पास थे, कुछ फेल थे और कुछ 50-50 थे। ओके, तो आप ये हैक जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आपको कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा। मेरे को तो दो हैक अच्छे लगे, एक तो वो हाइलाइटर है, वो तो सबसे अच्छा लगा, जो वो लेमन वाला था ना ईयरबड से, एक वो एंड एक वो नोट्स वाला, और मुझे वो 90 टेबल वाला, क्योंकि मैं हमेशा 90 टेबल ही भूल जाती हूँ। आप भी जरूर बताना। ओके, तो कैसे लगे आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग और देखते रहिए आसाम सिस्टम।